अभी हम स्टार्ट करेंगे फोर बेडरूम हाउस प्लान डिजाइन। फोर बेडरूम हाउस डिजाइन, फोर बेडरूम हाउस डिजाइन। तो फोर बेडरूम हाउस डिजाइन के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फोर बेडरूम क्या कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम एक देखिए सिंपल ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऐसे डिजाइन। यहाँ पर एक एरिया रूम, इधर एक और इधर, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, इसको हम इधर से ऐसे करेंगे, इसका हम ऐसे रखेंगे। ओके तो उसके बाद और क्या है, देखिए नेक्स्ट हम इसके अंदर और भी कुछ ऐड करना है जो है, देखिए इधर से इसको हम आउट करेंगे, इधर से हम यहाँ पर डोर ऐड करेंगे। तो फोर बेडरूम है, इसमें फोर बेडरूम स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है स्टैंडर्ड साइज। तो ऐसे रहेगा यहाँ पर डोर। नेक्स्ट देखिए इसको हम ऐसे आगे आउट करेंगे, इधर से इधर हमें स्टेयर का डिजाइन मिलेगा ऐसे, ट्रेड और राइजर यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। 10 इंच बाई 6 इंच का यहाँ पर स्टेयर का जो पार्ट है इधर आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद इधर देखिए इतना तक हमें एक डोर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर रहेगा बेडरूम, बेडरूम नेक्स्ट इधर बेडरूम, नेक्स्ट इधर बाथ प्लस लैट्रिन। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम सेम से ड्राइंग यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद इधर हम ऐसे ड्राइंग ऐड करेंगे। ओके नेक्स्ट हमें इधर ऐसे करना है, इधर भी हमें ऐसे डिजाइन मिलेगा और उसके बाद इधर ऐसे। तो इधर जो डोर है हम अदर्स कलर से यहाँ पर ऐड करेंगे डोर के लिए, तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा, हम बाद में इसको दिखाते हैं। यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा इधर से हमें से लाइन ड्रॉ करना है। तो इसमें क्या क्या हमने ऐड किया है इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके इधर से आप आ जाएगा, थोड़ा सा डाउन हम इधर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ओके तो चलिए उसके बाद हम इधर भी बेडरूम, नेक्स्ट इधर बेड, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन, यहाँ पर किचन, यहाँ पर ड्राइंग प्लस डाइनिंग, यहाँ पर बैल्कनी, इधर रहेगा बैल्कनी, पूजा रूम, यहाँ पर मेन गेट। ओके सिंपल डिजाइन है, सिंपल डिजाइन इधर हमने किया है, इसका हम इधर से आउट करेंगे।
लाइन ऐसे हम सीधा करेंगे इधर। चलिए उसके बाद इसके अंदर हम डोर ऐड करते हैं रेड कलर से। यहाँ पर डोर देखिए ऐसा आएगा, डोर ऐसे इधर डोर। तो डोर हम यहाँ पर रेड कलर से ऐड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा आर्च आएगा। यहाँ पर डोर, यहाँ पर गेट, डोर, यहाँ पर लैंडिंग, यहाँ पर 35 फीट 0 इंच, 38 फीट 0 इंच। ओके 35 बाई 38 का ही डिजाइन रहेगा, 35 इंटू 38। तो इसके अंदर हमें विंडो ऐड करना है। देखिए ऐसे हम विंडो और वेंटिलेटर ऐड करेंगे। जस्ट आपको एक आइडिया यहाँ पर हम ऐड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर विंडो आएगा, इधर विंडो, यहाँ पर रेलिंग, यहाँ पर रेलिंग आएगा, यहाँ पर भी विंडो बैल्कनी है। यहाँ पर बेड, इसका विंडो हम इधर ऐड करेंगे, इधर भी विंडो रहेगा, इधर विंडो, वेंटिलेटर, यहाँ पर विंडो, इधर विंडो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो कलम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 13 फीट, 12 फीट, 11 फीट, यहाँ पर 11 फीट, 11 फीट, 7 फीट 6 इंच। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट हम इसके बाद ऐड करते हैं। यहाँ पर 5 फीट 1 इंच और इधर रहेगा 12 फीट, 13 फीट, यहाँ पर 12 फीट, 12 फीट, यहाँ पर 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 1 इंच और यहाँ पर रहेगा 8 फीट 2 इंच, यहाँ पर 9 फीट 2 इंच, यहाँ पर 7 फीट 6 इंच एंड 18 फीट 7 इंच। उसके बाद यहाँ पर 3 फीट 6 इंच, इधर रहेगा आपका 7 फीट, इधर रहेगा 4 फीट, इधर 7 फीट 0 इंच, ऐसा डिजाइन रहेगा। बाकी जो रहेगा बालकनी के लिए यहाँ पर 7 फीट 6 इंच। ओके यहाँ पर तो स्टेयर के यहाँ पर जो है 3 फीट 3 इंच ऐसे डिजाइन रहेगा। यहाँ पर जो है 5 फीट 0 इंच का यहाँ पर मेन गेट रहेगा। कलम जो है यहाँ पर कलम 10 बाई 12 इंच का कॉलम। देखिए इसका जो आउटर वॉल 10 इंच का वॉल, ओके, और जो इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच का वॉल। तो ऐसे रहेगा डिजाइन। टोटल इसका जो कॉस्टिंग आएगा इस बिल्डिंग प्लान और इस डिजाइन और इस घर बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो आएगा 1368 स्क्वायर फीट हाउस डिजाइन टोटल कॉस्टिंग आएगा इसका, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रखेंगे 20 लाख प्लस।
तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। 4 बेडरूम के साथ डिजाइन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।